आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने से लोग दुखी हैं। विंध्य इलाके में बीजेपी को 24 सीटें मिलने पर शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी को रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करने और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के साथ ही विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी की जीत के बाद पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री तथा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य की जनता ने बीजेपी को जनमत देकर यह साबित कर दिया कि यहाँ की जनता सिर्फ विकास के मुद्दों पर वोट करती है। एक बार फिर से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और रीवा की जनता और विंध्य की जनता ने यह साबित कर दिया कि सबसे समझदारी से वोट डालने का काम यदि कोई करता है तो रीवा की और विंध्य की जनता करती है। हमारे देश की समस्या ये बिजली, पानी, सड़क और ये सब चीज़ें उतनी नहीं है जितनी बड़ी समस्या है सही जगह वोट डालने की समझ। यदि सही जगह वोट डालने की समझ विकसित हो जाए तो देश की कोई समस्या बचे ही ना। लेकिन कभी कभी झूठ में, अफवाह में, अफरीवा में देखिए आप कितनी झूठ और अफवाह फैलाई गई। 5-स्टार होटल है मेरा, नासिक में 16 प्लांट है मेरा। हमने कहा ले लो भाई और हमारा घर भी ले लो, पता करके बता दो कि कहाँ पे। रीवा जिले में जो 8 सीटें आई है उसमें इस तरह के झूठ और अफवाह और धूर्तता की जो राजनीति हुई है ना उसका भी बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि जनता तो हर जगह देख रही है रीवा में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और जब वो ये देखते हैं कि इस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे तो लगता है 1-2 सीटें कांग्रेस की आ सकती थी लेकिन वो भी अब रुक गई, इसीलिए इस प्रकार की राजनीति लोगों के गले उतरी नहीं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि चुनाव में मेरे खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वालों को भी यहां की जनता ने जवाब दिया है तथा यह स्पष्ट कर दिया कि झूठ और अफवाह की राजनीति अब विंध्य क्षेत्र में नहीं चल सकती है। उन्होंने भाजपा की सरकार ना बन पाने पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने के कारण लोगों में दुख का माहौल है तथा लोगों को इस बात का पछतावा है जो मैं भी महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश की सभी 29 सीटों में बीजेपी के जीतने का दावा किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।